अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिलीटिंग रोज इन ए टेबल। डिलीटिंग रोज इन ए टेबल, कल हमने पढ़ा था डिलीटिंग कॉलम्स। डिलीटिंग कॉलम्स डिलीटिंग हम कॉलम्स हमने कंप्लीट किया था, अब हम पढ़ेंगे डिलीटिंग रोज इन ए टेबल। ठीक है, डिलीटिंग रोज इन ए टेबल, कैसे हम डिलीट करेंगे एक रो को कहां पे, एक टेबल में। ठीक है, टू डिलीट ए रो इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, टू डिलीट इन ए रो इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, जो हम एग्जिस्ट करते हैं, बनाते हैं कोई टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनको हम रोज कहते हैं, को हम रोज कहते हैं। कॉलम मैंने आपको बता दिया था, कॉलम आज मैं रो की बात करूंगा। ठीक है, आज मैं रो की बात करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 रोज है हमारे पास। ठीक है, कहां पे, एक टेबल में। ठीक है, ये एक टेबल है, कहां पे, इन एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहां पे हम रिपोर्ट बनाते हैं, लेटर बनाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, किसी का फोटो भी डाल सकते हैं, फिर उसका फोटो डाल सकते हैं, कोई भी जो भी पर्सन होगा, फेमस पर्सन होगा, वहां पे उसका फोटो भी लगा सकते हैं, एमएस वर्ड जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आज टेबल, टेबल के बारे में। डिलीटिंग कॉलम्स मैंने आपको बता दिया है, और अब आज हम पढ़ेंगे डिलीटिंग रोज इन ए टेबल। टू डिलीट इन ए, टू डिलीट ए रो इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, जो हम टेबल बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग नया बना रहे हैं टेबल। ठीक है, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स, इस वीक के स्टेप्स हम पढ़ेंगे। क्लिक एनी वायर, क्लिक एनी वायर इन ए रो, क्लिक एनी वायर इन ए रो, क्लिक एनी वायर, जहां पे भी आप क्लिक करोगे किसी भी जगह, किसी रो में भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 6 रो बनाए, हम सोचते नहीं फिफ्थ रो में जाएंगे, फिफ्थ रो को डिलीट करना है, हम सोचते नहीं थर्ड रो डिलीट करना है, वहां पे आप माउस रखोगे, माउस पे राइट क्लिक करोगे, वहां पे डिलीट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लिक एनी वायर इन ए रो दैट इज टू बी डिलीटेड, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने थर्ड रो सिलेक्ट किया है, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, राइट क्लिक द माउस ड्रॉप डाउन इज मेन्यू इज डिस्प्ले, राइट क्लिक करेंगे हम माउस में, राइट क्लिक, फॉर एग्जाम्पल हम माउस बना रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे माउस में, उसके बाद राइट क्लिक द माउस ड्रॉप डाउन इज मेन्यू इज डिस्प्ले, यहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू इज डिस्प्ले, डिस्प्ले हो जाएगा, इतना सा बॉक्स आ जाएगा, यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, वहां पे बहुत सारे हम टूल्स दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से हम यूज कर लेंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप, सिलेक्ट डिलीट सेल ऑप्शन इन द मेन्यू डिलीट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले, पहले हमने बता दिया था राइट क्लिक करनी है माउस में, ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले बॉक्स थोड़ा सा आ जाएगा, उसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होंगे, उन टूल्स को हम यूज करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट डिलीट सेल ऑप्शन, वहां पे सिलेक्ट डिलीट सेल ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट सेल ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद डिलीट डायलॉग बॉक्स इन डिस्प्ले, डिलीट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले, वहां पे एक डायलॉग बॉक्स, छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको डिलीट रो करना है, डिलीट कॉलम करना है। फोर्थ वन, सिलेक्ट एंटर रो ऑप्शन, सिलेक्ट एंटर रो ऑप्शन, हमें सिलेक्ट करना है एंटर रो ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल हम को सिलेक्ट किया है, द रो इज डिलीटेड, ये रो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक रो डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको अपने लैपटॉप में बताऊंगा कहां पे क्या होता है। ठीक है, डिलीटिंग रोज इन टेबल कहां पे करेंगे हम। ठीक है,
अब मैं बताऊंगा, यहां पे हमारे पास वर्ड फाइल है, ठीक है, कोई भी वर्ड फाइल ले लेंगे, ठीक है, कोई भी वर्ड फाइल ले लेंगे। रिज्यूम हमारे पास है, यहां पे वर्ड फाइल है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन हो गया, ठीक है, हमारे पास ये रिज्यूम बना हुआ है, मगर हमें अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए जहां पे हम रो को कैसे डिलीट करेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टेबल में जाएंगे, टेबल के बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद टेबल, यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेबल साइज, सॉरी टेबल साइज, इंसर्ट टेबल, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने रखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स हम रखेंगे 7, नंबर ऑफ रोज रखेंगे हम 5, ठीक है, यहां पे हमें ओके करना है, यहां पे हमारे पास यहां पे, ठीक है, मैंने आपको जूम करके बता दिया है, कहां पे कैसे जूम हो जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसको हम पढ़ेंगे डिलीट रोज इन ए टेबल, टू डिलीट रो इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, हमने बनाया है टेबल, हमने बनाया है यहां पे वर्ड में, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप, इसी के स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, क्लिक एनी वायर इन रो दैट टू बी डिलीटेड, क्लिक एनी वायर किसी भी जगह रख सकते हैं, ठीक है, यहां पे क्या आ जाता है, डिलीटिंग सेल्स, डिलीटिंग सेल्स, दूसरा ऑप्शन राइट क्लिक द माउस ड्रॉप डाउन मेन्यू इज डिस्प्लेड, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इज डिस्प्लेड, डिस्प्ले हो गया, सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन, यहां पे डिलीट सेल्स आता है, यही ऑप्शन हमें करना है, इन द मेन्यू डिलीट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, अब देखिए डिलीट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां पे डिलीट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो गया, ठीक है, यहां पे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, ठीक है, डिलीटिंग एंटर रो, डिलीट एंटर कॉल, आपको कॉलम की को डिलीट करना है, डिलीट कॉलम कर सकते हो आप, डिलीट रोज कर सकते हो, डिलीट रोज कर सकते हो, अप एंड डाउन भी कर सकते हो, सिलेक्ट एंटायर रो ऑप्शन, द रो इज डिलीट, यहां पे हम इसको यहां पे, ठीक है, यहां पे डिलीट हो गया, थर्ड वन इज डिलीटेड, फॉर एग्जांपल यहां पे इसको हम 1, 2, 3, 4, अब हम देखेंगे, अब हम किसी भी जगह किसी रो में भी जाएंगे, ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है, यहां पे डिलीट ऑप्शन आ जाता है, डिलीट ऑप्शन के बाद डिलीट एंटायर रो, मेन्यू डायलॉग बॉक्स, यहां पे कर लेंगे, हमने सेकंड वन को चूज किया था, अब हम देखेंगे ये डिलीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अब डिलीट हो गया, अब हम फोर्थ वन को या थर्ड वन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, थर्ड वन को सिलेक्ट रखेंगे किसी भी जगह, माउस को रखेंगे यहां पे राइट क्लिक, यहां पे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास जो हमने ऑप्शन पढ़े थे, राइट क्लिक माउस ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले, थर्ड वन सिलेक्ट डिलीट सेल ऑप्शन, वहां पे डिलीट सेल ऑप्शन आ रहा है यहां पे, ठीक है, डिलीट सेल ऑप्शन, द मेन्यू डिलीट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, अब हम देखेंगे डायलॉग बॉक्स फिर से डिस्प्ले हो जाता है कि नहीं हो जाता, अब अगर डायलॉग बॉक्स, ठीक है, डिलीटिंग सेल्स, डिलीटिंग सेल्स, अब हमने इसको डिलीट एंटर रो, यहां पे इसको सिलेक्ट करना है, अब हमें रो को डिलीट करना है, अब हो गया, ठीक है, अब हम फोर्थ वन को डिलीट करेंगे, फोर्थ वन को डिलीट करेंगे, राइट डिलीट, डिलीट सेल्स, यहां पे इसको डिलीट एंटर रो, ठीक है, यहां पे इसको ओके करना है,
अब डिलीट हो गया। अब फर्स्ट वन को डिलीट करेंगे, डिलीट सेल्स, डिलीट एंटायर रो, ऑप्शन इज। अब ये क्लियर हो गया, डिलीट एंटर रोज। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फी आमनिल्लाह।